أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاه والسلام على رسوله النبي الامين وعلى اله واصحابه وازواجه وسلم تسليما كثيرا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال عز وجل في مقام آخر वजक के रुफ़ इन जिक्र तमफल मिन महतरम काबिल अहतराम कराम हादरीन इजलास बुजुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों और पर्दनाशी खुवान इस्लाम आज जिस मौदू के तहत मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी हैं जैसा कि आपने सुना ख़िदमत कल की अहमियत वरूरत ख़दमत कल्क ये बड़ा ज़ामे और माने लफ्ज़ हैं, जिसमें एक वसी मफहम जो है पाया जाता है खिदमत कल्क से मुराद आम अल्फ़ाज़ में अगर हम जानते हैं बारह आपने सुना है मखलूक़ की खिदमत करना लोगों के काम आना और क़ुरान हदीस की असलाह में कुरान हदीस की रोशनी में महज अल्लाह रब्लम की ऱा अल्लाह ताली की खुशनुदी उसका तकारब हासिल करने की नीयत से और अल्लाह ताला की बनाई हुई जन्नत को पाने दुनिया में आला मकाम हासिल करने की नीयत से लोगों की मदद करना बगैर किसी उजरत के बग़ैर किसी सिला के बग़ैर किसी गर्ज के इसको जो है ख़िदमत कल कहा गया दुनिया के जितने मजाहिब पाए जाते हैं तमाम मजाहिब और मिल्लतों में जो है ख़दमत कल का तसुर पाया गया है और हर मज़हब में हर दिन में अपने मानने वालों को इसकी ताक़ीद की गई लेकिन इस्लाम ने दिन इस्लाम ने जिस माने में और जिस अदीम माने में जो है ख़िदमत खल का तसूर मुझे और आपको दिया है किसी और मज़हब में उतना वसी जो है माना मफहूम और जिस क़दर इस्लाम ने ख़दमत खल पर उभारा है कि हम दूसरों के काम आए बल्कि जो आयत करीमा मैंने शुरू में पढ़ी अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिम के वजूद का मकसद भी यही बताया कन तुम खैरा उम्मन उखरिजतनान्नास त मरू नबिलमारूफी व तनहोना निलमुनकर और नबिल्ल अल्लाह ने कहा तुम बेहतरीन उम्मत हो एक अजीम काम के लिए एक अज़ीम मकसद के लिए जो है इस उम्मत को अल्लाह ताला ने पैदा किया है तो खदमत कल्क लोगों की मदद करना और सबसे सबसे बड़ी मदद क्या है कि मखलू को खालिक से जोड़ना मखलूक के सामने खालिक का तारुफ पेश करना बंदों को अल्लाह से जोड़ना ये अदीम मकसद है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने तम्बियाई कराम को भेजा उनके मानने वाले दुनिया में आए और आज भी ये सिलसिला इस, इस उम्मत का सहाबा ताबीन, तब ताबीन, आइम्मा या आज भी ये सिलसिला जारी हैं अच्छे लोग हर दौर में मौजूद रहेंगे जो अल्लाह ताली के मखलूक के जो हैं ख़िदमत करें हर अतबार से लेकिन सबसे बड़ी खिदमत जैसे मैंने कहा कि मखलूक को अल्लाह से जोड़ना है दीन से जोड़ना दीनी तालीमत से जोड़ना का पैगाम उसके बंदों को पहुँचाना ये सबसे बड़ी ख़िदमत जिसके लिए अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो है पैदा किया है हमें सहरे को कोशिश करना चाहें कि हम दुनिया में रहें बेहतर बनकर रहें खैर उम्मत का जो लकब अल्लाह ने दिया है उसकी अहमियत को हम समझें अल्लाह से तोफ़ी हम मांगें क़ुअव अल्लाह की ताकत अल्लाह की क़ुत उसकी तो़ी के बग़ैर मैं और आप कुछ नहीं कर सकते ना नेकी का काम हम कर सकते हैं ना बुराइयों से हम बच सकते हैं अः कि अल्लाह ताला हमें तोफ़ी दे तो बारहाँ हमें अल्लाह से तोफ़ी मांगना चाहे सबसे बेहतर बनना चाहे हम सबसे बेहतर नबी सबसे बेहतर रसूल सबसे बेहतरीन इंसान बेमिसाल इंसान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है तो हमें सबसे बेहतर बनना है हमें सबसे बेहतर बनकर जो है बेहतर ख़िदमत हमें पेश करना है बेहतर तरीक़े से पेश करना है बेहतर अंदाज़ में पेश करना है अच्छे अवसाफ़ अच्छे अखलाक को अपना कर जो है हमें ये खिदमत हमें करना चाहिए अफसोस का मकाम है कि जिस उम्मत को इतनी ताकीद की गई इतनी बेहतरीन नसीहतें की गई इतना बेहतरीन कलाम कुर मजीद की शक्ल में अल्लाह ने दिया प्यारे नबीसम की मुकम्मल ज़िंदगी को हमारे लिए हुआ आइडियल मिसाली ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बनाई और इस उम्मत के सबसे बेहतरीन लोग साहबा कराम सलफ़ साल और उनके बाद ताबयन तब ताबीन जो सिलसिला आज भी जारी ये बेहतरीन सिलसिला अल्लाह तला ने अता फ़रमाया लेकिन अफसोस का मकाम है आज वक्ती तौर से जैसे हालात चल रहे हैं हम देख रहे हैं कि बेहतरीन उम्म जो हैं बेहतर नहीं है आज ये खैर का सिफत हमसे छूटा जा रहा हमसे फ़ौत हुआ चाहता है ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मकसद वजूद को समझें अपनी अहमियत को हम समझें किस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है उस मकसद को समझें और देखिए फितरी तौर से माशरती तौर से अल्लाह ताला ने हर इंसान को इस फितरत पर पैदा किया है कि हर इंसान की मुख्त ज़रूरतें हैं हाजतें हैं उसके बहुत सारे काम हैं जिन कामों को उन ज़रूरतों को इंसान अकेला जो है हासिल नहीं कर सकता उन कामों को अंजाम नहीं दे सकता उसको ज़रूरत पड़ती है दूसरों की वो दूसरों का मोहताज है तो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस फितरत पर पैदा किया है कि हम दूसरों के मोहताज इसीलिए अल्लाह ताला ने इस खिदमत के जज्बे को अल्लाह ने चाहा कि हमारे अंदर पैदा करें और इसके लिए बहुत सारे देखिए अल्लाह ने इंसान जिनों के अलावा इस कायनात की हर मखलूक़ को किसी ना किसी मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया अल्लाह ने अल्लाह ने बेशुमार मकाम पर ख़ास से सुर नहल में अल्लाह ने बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया बहुत सारी मखलूक़ात का जिक्र अल्लाह ने किया उन होने वाले फ़ायदे और उन होने वाली पूरी होने वाली ज़रूरतों का जिक्र अल्लाह ताली ने बेहतरीन अंदाज़ में जो है अल्लाह ताली ने उसका नक्शा खींचा है तो हमें इसको समझने की ज़रूरत है खिदमत खल की अहमियत आज जो है आज के हालात में बड़ी बढ़ जाती हैं आगे मैं उसका ज़िक्र करूँगा तो जैसे मैंने कहा कि हर मजहब में हर कौम में इस जज्बे का वजूद तस्वर जो है पाया जाता है लेकिन इस्लाम ने बड़े वसी अंदाज़ में जो है ख़दमत खल़ का तस्वूर मुझे और आपको दिया और प्यारे नबी वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी आगे भी आप अगला खिताब सुनेंगे प्यारे नबी नबीसम की पूरी ज़िंदगी जो है अदीम पैगाम हैं अल्लाह के नबी नबीसम की ज़िंदगी में तो खिदमत क़ल का जो जज्बा एक अदीम पैगाम था प्यारे नबी वसम की ज़िंदगी का नबी बनाए जाने से पहले भी प्यारे नबी सल्लाम ने अपनी पूरी जवानी जो है अपनी कौम अपने समाज सोसाइटी की खिदमत में जो है गुज़ारी नबी बनाए जाने से पहले और जब नबी बनाए गए पहली वही ़ार हिराम नाजिल हुई एराबिसम रबल खल खल खली इंसान अमिन ए खरा रब अकरम्ल अल्लदी अबिनमसानम यालम ये वही जब नाजिल हुई प्यारे नबी वसल्लम जब घर वापस आए डरे हुए थे परेशान थे जबरीम को पहली मरतबा उनकी असल शक्ल सूरत में जो है आपने देखा था और आकर कहा ख़त खशीत वाला नफ़सी ज़मिलोनी ज़मिलोनी उमुल खतीजा रौदी तह से कहा मुझ पर चादर डाल दो और कहा कि मुझे अपने नफ्स पर जो है हलाकत का ख़दशा है डर प्यार नबी सासन को खौफ महसूस हुआ डर महसूस हुआ कि मेरे साथ ये अजीब हालत पेश आई जो इससे पहले नहीं आई थी तो उस वक्त देखिए उमुल उमिन खतीजा रौदी तह ने जिन बेहतरीन अवसाफ का तस्करा करके प्यारे नबी सासम को तसली दी थी कहा था कल्ला खुदी कल्ला अबदा इन न कल्ला तस्ल व तहमिलकल व तखर दैव व तोीन वाल नवाबल व तकसबिल्मूम ये सिफात थे अल्लाह के नबी साहब ये बुनियादी सफ़ाते कहा हरगिज़ नहीं अल्लाह ताली आपको हरगज़ ज़ाये नहीं करेगा क्या आप सिला रहमी करते हैं आप जो हैं मेहमान नवाजी करते हैं कमज़ोर मोहताजों की मदद करते हैं आप मेहमान नवाज़ हैं आप और जो लोग कुछ नहीं कर सकते उनकी खिदमत आप करते हैं उनके लिए कमा कर आप जो है उनकी मदद करते हैं ये बेहतरीन औसाफ थे ये सब कुछ क्या था प्यारे नबी नबीसम खदमत खल के जो बेहतरीन काम किया करते उन बेहतरीन कामों का तस्करा करते हुए उम्रमोमिन खतीजा रदी अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लम को जो है इस बेहतरीन अंदाज में जो है तसली दी और यही जज्बा देखिए सहाबा में मौजूद था खलफा राशिदीन में ख़ास तौर से अबू बकर सिद्दीक़ की शख्सियत जो हर काम में आगे रहते थे हर नेकी में आगे हमेशा आगे रहते थे किसी की मदद करना है सब में आगे अबू बकर सिद्दीक़ कोई बीमार है उसकी यादत में अबू बकर आगे बस्किन है उसको खाना खिलाने में अबू बकर आगे जनाजे में शिरकत करने में अबू बकर आगे सही मुस्लिम की वो रिवायत भी आप जानते हैं ये चार काम जिसका जिक्र अल्लाह के नबी ने किया था पूछा था तुम में से कौन है ये ये काम ये काम किए हैं तो अब हर मरतबा अबू बकर अल्लाह के नबी मैंने किया प्यारे नबी साहब ने कहा अगर किसी मुसलमान में ये काम जमा हो जाए कहा वो जन्नती है वो जन्नत में जाए गच्छे के छोटे छोटे काम हैं जिसको आज हम नज़रअंदाज करते हैं अबू बकर सिद्दीक ऐसे ही सिद्दीक नहीं बने ऊँचा मकाम उन्होंने कोई बड़े बड़े ऐसे काम नहीं थे जिसको आज हम बड़े बड़े समझते हैं यही छोटे जिसको आज हम छोटे समझते हैं ये छोटे ही काम हैं माशरे के सोसाइटी के लोग हमारे रिश्तेदार दोस्तों अहबाब पड़ोसी हती के गैर मुस्लिमों के हकूक़ भी हैं आगे, आगे आप सुनेंगे मौजू इला तीसरा खिताब तो एक अदीम पैगाम के लिए जो है ये खिताबात रखे गए हैं तो ये अदीम जो है जज्बा ख़िदमत खल का जज्बा अबोकद्दीक जब खलीफा बनाए गए खलीफा बनाए जाने से पहले जो है आपके बारे में मशहूर हैं एक बेवा के घर में जाकर बकरी का दूध धोकर उनको उस बेवा उसके बच्चों को जो है पिला कर आते थे उनकी खिदमत किया करते थे जब कुर्सी मिली मनसब मिला तो लोग अफसोस किए ताज्जुब किए शायद अबू बकर जो है अब ये काम नहीं करेंगे आपको जब जब पता चला तो कहा नहीं अबू बकर आज भी ये काम अंजाम देगा अल्ला अकबर आज मनसब कुर्सी कुछ मकाम मिलता है तो बंदा रब को भूल जाता है अब को भूल जाता है लेकिन देखिए अल्लाह के नबी नबीम की मिसाली ज़िंदगी आपने गुजारी और ऐसे सहाबा तैयार किए ऐसी जमात जिन्होंने मनसब कुर्सी मिलने के बाद भी ये काम इन कामों को नहीं छोड़ा बल्कि और जज्बे के साथ उन्होंने इन कामों का अंजाम दिया एक बेहतरीन मिसाल आने वालों के लिए उन्होंने जो है पेश की और इसी तरह खलीफ सानी अमीर उलमिन उमर बिन ख़ाब रौदी अल्लाह तारा के भी बेशुमार मिसालें हम सुनते हैं बारह खलीफा बनाए जाने के बाद दिन दो तो दिन रातों में जाकर देखिए मनसब कुर्सी मकाम या ऐसा इसके तकाज़े हैं ये नहीं कि इंसान कुर्सी पर बैठने के बाद आराम करें आराम करने के लिए कुर्सी मनसब नहीं दिया जाता काम करने के लिए खिदमत के लिए खादिम होता है अमीर जो होता है हाकिम जो होता है ज़िम्मेदार ये खादिम होता है कौम का ख़दमत के लिए अल्लाह ने पैदा किया पूरी उम्मत को ख़ास तौर से जो ज़िम्मेदार हैं निगरान हैं रातों में जा मदीने का गश्त किया करते थे उमर रदील्ला तै कितने वाकियात हैं दूध में पानी पिलाने वाला वाक़ भी हम बारह सुनते हैं उस बूढ़ी खातून का भी वाक़ा हम सुनते हैं जिसने अपने बच्चों को सिर्फ पानी गर्म किया उसने हांडी में सिर्फ पानी उबल रहा था खाने के लिए कुछ भी नहीं था वो वाक़ भी कई मरता ऐसे कई वाक़ात रातों में जा कर हती कि उमर रदी अल्लाह तू यहाँ तक कहा करते थे कि अगर किसी इलाके में उमर की वो हुकूमत जहां तक है अगर कोई कुत्ता भी मर जाए तो अल्लाह ताला कल क़ियामत के दिन उमर से पूछेगा सवाल करे ये फ़िक्र थी इस फ़िक्र के साथ जो है हमारे असलाफ ने ज़िंदगी गुजारी और यही मामला सालिस उमर उस्मान बिन अफान खलीफालसर स्स्मानफान रदयी ला जिन्होंने माल के ज़रिए ओस्मान गनी जिनको कहा जाता है माल के ज़रिए इतनी ख़िदमत की उन्होंने इतना, इतना दिया इतना दिया गज़ तबू के मौक, मौके पर बिलखसूस इतनी खिदमत की कौम की समाज की मुसलमानों की इस्लाम के खातिर प्यारे नबी सा ने यहाँ तक कहा माँ दर्रा इब्ने अफ़ान माँ कि इबन इफ़ान इबन अफ़ान इन उस्मान रद्ल आज के बाद कोई भी काम करें उनको नुकसान नहीं होगा अल्लाह अकबर इतनी बड़ी खुशखबरी खिदमत खल का जो तस्वूर इस्लाम ने दिया ये जज्बा आज देखिए हमारे अंदर ना के बराबर आज ना कि इसी तरह दीगर साहब सहाबा कि सहाबिया तुम महातमिन में जज्बा था जिनके अंदर जो भी ताकत थी सीरत पड़ी मुख्तलिफ़ काम किया करते थे सहाबा अगर किसी के पास सदक़ा करने के लिए पैसा ना होता कहीं जा काम करते कुछ लोगों का बोझ उठाकर पैसा जो भी आता मजदूरी करके जो है मेहनत करके सदक़ा करते किसी की मदद भी करें और सदक़े का स्वाब भी हासिल करें इतना जज्बा था खिलाने का जज्बा लोगों को भूखों को खिलाने का जज्बा पानी पिलाने का जज्बा आज देखिए इंसानियत आज पूरे आलम इस्लाम का क्या माहौल क्या मामला है आज हमारे ईमान का जो तकाजा है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों की मिसाल देते हैं, बेहतरीन मिसाल देते बेहतरीन अंदाज़ में प्यारे नबी सासम ने हमें एक बात समझाई कहा मसलन फी तवादिम तरातुफ हिम الجسد بالسهر والحمى प्यारे नबी सासन बेहतरीन मिसाल दी कि मोमिनों की आपस में उल्फत और मोहब्बत में शफ़त में हमदर्दी में कहा एक जिस्म के बराबर ये मोमिन आपस में एक जिस्म के बराबर अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है पूरा जिस्म जो है इस तकलीफ़ को महसूस करता है बेखरार हो जाता है हमारा जिसम बुखार मिसाल दी अल्लाह के नबी बेखाबी की वजह से बुखार की वजह से तो गौर करें इस हदीस में अल्लाह के वसल्लम ने बेहतरीन मिसाल दी अगर किसी मुसलमान को परेशान परेशानी हो तकलीफ़ हो वो तकलीफ़ हमें भी महसूस होना चाहिए आज फ़लस्तीन के हालात क्या हैं किसी से मफ़ी नहीं गजा के आज क्या हालात हैं दुश्मन इस्लाम की क्या लार हैं उनकी क्या सियासतें हैं सब जानते हैं बताने की ज़रूरत नहीं है लेकिन क्या हम उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस कर रहे हैं उनकी मुसीबत को हम अपनी मुसीबत पता नहीं हमें कैसे नींद आ रही हम कैसे सो रहे हैं ख़ाब गफलत में हैं गफलत के शिकार सुस्ती काहली और बढ़ते जा रही गोया कोई एक खेल तमाशा हो रहा है अभी चंद साल पहले करोना जैसी बीमारी से भी हम गुज़र चुके हैं ऐसे ज़िंदगी उतार रहे हैं मैं और आप कि कुछ हुआ ही नहीं यह अजीब तमाशा है हमारे बड़े तो बड़े हम हम अपनी ज़िंदगी इनफरादी ज़िंदगी अपनी इज्तम इंफरादी जो हमारी िमेदारियाँ हैं आखिरी खिताब भी आप सुनेंगे सुनेंगेदारियाँ क्या हैं हमारी हालत हाजिरा को सामने रख कर जिम्मेदारियों की तरफ भी इशारा किया जाए अफसोस का मक़ाम बड़े अफसोस का मक़ाम थोड़ी देर के लिए तसूर करें जो हालात वहाँ हैं अगर हमारे साथ ऐसे होते हम वहाँ होते या उनको यहाँ पर जैसे भी हो तसूर करके देखें कि हमें मारा जा रहा है हमारी जान तक जो है महफूज़ नहीं हमारा माल महफूज नहीं हमारे घर गिराए जा रहे हैं बच्चे यतीम हो रहे हैं औरतें बेवा हो रही हैं थोड़ा तसूर करें हम अपने बारे में गोया हमारे साथ ऐसा हालात कभी भी रुख पलट सकते हम जहाँ हैं हम भी महफूज नहीं याद रखिए हम जहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम भी गैर महफूज हैं बस अल्लाह ही की मदद है अल्लाह ही का एक सहारा है जो पहले से है आज भी है आगे रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह ही मदद करने के लिए काफ़ी इस्लाम को किसी की ज़रूरत नहीं मुसलमानों को भी हकीकी मुसलमानों को अल्लाह की मदद काफ़ी है इन अल्लाह गायबी मदद करने पर है हमेशा से है यह सिलसिला ये सुन्नत है अल्लाह ताला की इसमें कोई तब्दीली होने वाली नहीं लेकिन मेरे और आपके ईमान का जो है तकादा है जो तकादे हैं अल्लाह ताला वो देखना चाहता हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं सहाबा इसबाब की कमी के बावजूद आज तो बहुत इसबाब हैं सिर्फ रोना रोते हैं हम लोग अफराध नहीं हमारे पास इसबाब की कमी आज कोई कमी नहीं कमी थी तो बदर के मौके पर थी वहद के मौके पर थी खंदक के मौके पर थी कमी थी वाकई अफराद की कमी थी इसबाब की कमी थी उस वक्त लेकिन वो ईमानी जज्बा व ख़िदमत का जज्बा वो तोल व यकीन वो तमाम बातें जो सहाबा में थी आज हमारे पास नहीं बड़े बड़े दावे हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे लेकिन सिर अपने नफ्स का साथ अपने नफ्स के साथ मुजाहदा करने की हमें तोफ़िक नहीं अपना महासभा करके अपनी जतीी इनफरादी ज़िंदगी की असलाह करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं दीन को समझने के लिए वक्त नहीं दीनी तालीमत को समझने के लिए वक्त नहीं अच्छे लोगों का साथ देने के लिए टाइम नहीं हमारे पास पड़ोसी भूखा है हमें कोई फिक्र नहीं माँ बाप ही परेशान हैं हमारे भाई बहन ही परेशान है, हैं दोस्त अहबाब ही परेशान और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं हम लोग बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हैं अजीब व हाल है आज और देखिए हमारे मौजू से मुतालिक जो वैसे मौजू बड़ा तवील है जो वक्त मुझे दिया गया मैं कोशिश करूँगा कुछ अहम बातें जो हमारे आज के हालात हमारी ज़िंदगी से मुतालिक हैं उससे जोड़ के मैं चंद अहम बातें आपके सामने ज़िक्र करूँगा इसी तरह देखिए दीन दीन क्या है दीन को आज हमने मजाक बना लिया दीन क्या है असल में बारह हम सुनते हैं हमारे मकतब का बच्चे को भी हदीस याद अदीन अनन नसीहा मकातिब में पढ़ने वाले समर कोर्स दस दिन का कोर्स करने वाले बच्चे को भी हदीस याद अदीन अनन नसीहा पहले या दूसरे नंबर पे हदीस पढ़ाई जाती है बारह हम सुनते हैं दीन खैर खाई का नाम किसके लिए खैर खाय ला ही वोली किताबी ही वली रसुल ही वली मुस्लिम व आमत हिम अल्लाह के लिए खैर खाई अल्लाह की किताब कुरान मजीद की खैर खाई प्यार नबी सा रसूल की खैर खाई अइम मुसलम हुक्मरानों की खैर खाई हम जानते हैं इनके जो हकूक़ बताए गए अल्लाह के हकूक़ अदा करना कुरान के हूक़ अदा करना प्यारे नबी सा के हकूक़ बताए गए हमारे हुक्मरानों के हकूक़ हैं आखिर में अल्ला के नबी ने क्या कहा हुआ आम मतहीम आम मुसलमानों के साथ खैर खाई करना ये दीन हैं और सबसे बड़ी खैर खाई क्या है खिदमत खल का जज्बा अपने अंदर हम पैदा करते हुए हर एक की मदद करें छोटी सी मदद क्यों ना हो मशूरा देकर क्यों ना हो इल्मी ना ही ऐसे क्यों ना हो माली मदद के जरिए इशारा देखिए कभी इशारा हमारा एक इशारा किसी की जान भी ले सकता है हमारा एक इशारा किसी की जान बचा भी सकता है एक इशारा एक इशारे के ज़रिए भी हम किसी की मदद कर सकते हैं थोड़ा सा वक्त देकर किसी का बोझ उठाएँ किसी की तकलीफ़ में मुसीबत में उसे कम से कम तसल्ली दें उसके गम को हल्का करें थोड़ी देर के लिए बात करें किसी पर मुसीबत आई है परेशानी आई आगे में कुछ अहम अमूर का भी जिक्र करूँगा बहुत सारे काम खिदमत खल़ में बहुत सारे काम तो इस हदीस में भी अल्लाह के नबी वसल्लम ने दीन को जो है खैर खाई का नाम दिया तो ख़दमत खल़ ये क्या है खैर खायी सबसे बड़ी खैर है शुरू में जैसे मैंने कहा इसी तरह जो है बेहतरीन हमें से सबसे बेहतरीन कौन है जिसके साथ हमेशा जिससे हमेशा भलाई की उम्मीद हो जिसके शर से लोग महफूज रहें प्यारे नबी सासुन ने कहा अल्लाक बेकुम बे खैरकुम इन शरकुम क्या तुम में से जो बेहतरीन हैं और बदतरीन हैं उनमें से अच्छे और बुरे के बारे में ना बताऊँ अल्लाह के नबी सासुन ने आगे कहा खैरकुम मयुरजा ख़ैरहू और युमन शर रुहू कि में सबसे बेहतरीन वो हैं जिससे हमेशा खैर की उम्मीद की जाए जिससे हमेशा खैर की उम्मीद हो लोग कहें कि हाँ ये बंदा मिसाली इंसान ये हमेशा फ़ायदा पहुँचाता है किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता और युन शर रहूँ अल्लाह के नबी सा आसम इसकी ज़बान इसका हाथ हो इसके हरकत सकन किसी भी आदा से जो है किसी को तकलीफ़ नहीं होती ऐसा हमें बंदा हैं हम ऐसे नबी की उम्मीती हैं जिन्होंने कभी किसी को जो है नुकसान नहीं पहुँचाया प्यारे नबी सासन ने किसी की तरफ़ इशारा भी नहीं किया बुरा इशारा किसी पे हाथ भी नहीं उठाया प्यारे नबी सासुन किसी को गाली तक नहीं दी अल्लाह के नबी सासुन किसी को तकलीफ़ नहीं दी पूरी इंसानियत इंसानियतियात तक आने वालों की फिक्र की प्यारे नबी सासुन अपनी पूरी उम्मत की फिक्र में अपनी दिन तो दिन रातों में जा लंबा लंबा लम्बा करके प्यारे नबी सासन ने अल्लाह से तोफीक मांगी अल्लाह मेरी जात को सबसे बेहतर बना मिसाली बना खैर खैरन्नासानफा प्यारे नबी नबीसम ये भी कहा तुम सबसे बेहतर वो हैं जो सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो फ़ायदा पहुँचाने वाला हो लोगों और तो खुद अल्लाह के नबी नबीसम सबसे बेहतर इंसान सबसे बेहतर इतने बेहतर ना आपसे बेहतर कोई दुनिया में आया ना क़ियामत तक कोई आने वाला है हम उस नबी की उम्मीदी हैं मुझे और आपको जो है सबसे बेहतर बनना है खैर उम्मत बनना है अपने माशरे में अपने सोसाइटी में अपने घर में सबसे बेहतर बन के बताना है और सबसे बदतरीन कहा जिससे कोई खैर की उम्मीद ना हो जिससे कोई खैर की उम्मीद ना जबान खोले तो ईबत चुगल खोरी गाली गलोच हाथ से अपने जिसम से जो है हरक़त व सकना, से भी इंसान जो है तकलीफ़ पहुँचाए ये सबसे बदतर इंसान कहा जिसके शर से जो है लोग महफूज ना रहे जिससे कोई खैर की उम्मीद ना हो ये सबसे बदतर इंसान है और इसी तरह देखिए अगर हम में से कोई दूसरों की मदद करते हैं दूसरों के काम आते हैं तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन खुशखबरियाँ सुनाई अलमुसलिम अलमुसलमलाम हूँ वलाम हूँ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है दीनी रिश्ता है याद रखिए दीनी रिश्ता सबसे अहम रिश्ता है खूनी रिश्ते से भी अहम खूनी रिश्ते से भी अहम रिश्ता क्या है दीनी रिश्ता अगर ईमान की हालत में कोई इंसान है तो खूनी रिश्ता भी अहम हो जाता है लेकिन अमूमी एतबार से दीनी रिश्ता सबसे अहम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई क्या करता है अपने भाई के लिए लाए झलिम हूँ प्यारे नबी सास ने कहा वो क़ुत का ये है उसकी मदद करें हर तरीक़े से मदद करें और म ना करें प्यारे नबी सासम ने कहा किसी भी तरीके से अपने भाई पर म ना करें और क्या कि ना करें वलाम हो बेयार मददगार ना छोड़ें आज ऐसे लग रहा है फलस्तीन भाइयों को हम बे यार मददगार छोड़ दिए जो भी ताकत हैं आप जानते हैं हम हमारी पास जो हमारी ताकत है कुदरत हैं की जो रहनमाई हमें हासिल है उस हिसाब से करना है ऐसा नहीं कि जोश में आके जो चाहें दावा कर दिए जो चाहें करने के लिए तैयार हो जाए ऐसा नहीं अल्लाह ने जो हमें ताकत दी है जो हम कर सकते हैं वाकई वो काम करना है हमें क्या करना है यहाँ रह कर हम दुआ करना है दुआ करना है सजदे में रोएं अल्लाह के सामने अपनी हिफाजत के लिए अपने भाइयों की हिफाजत के लिए पूरे आलम इस्लाम की हिफाजत के लिए मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए रोएं गिड़गड़ाएँ रात में कैसा भी हम जागते हैं थोड़ी देर के लिए दो रकात तहज्जुद कम से कम दो रकात ईशा के बाद भी वक्त शुरू हो जाता है अफजल बेहतर है रात में उठ कर ईशा के बाद भी वक्त शुरू हो जाता है दो रकात कम से कम पढ़ने की आदत डालें रोएं अल्लाह के सामने अपनी नजात के लिए कहीं ऐसा ना हो कि हम भी जालिमों के साथ शुमार हूँ हमारा भी शुमार जालिमलाम हो प्यारे नबी साहब ने कहा कि एक मुसलमान यार मददगार नहीं छोड़ता अपने भाई को जालिम को कहा गया जालिम को हम रोकें उसको जुल्म से रोकें मना करें कम से कम वो जज्बा तो रखें बुराई को बुराई समझें दिल से तो बुरा समझे ईमान हमारा कमज़ोर है और अल्लाह के नबी साहब ने आगे का अमन कान अफी हाजती आखिर ही कान अल्ला फ़ी हाजती बेहतरीन खुशखबरी हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारी ज़रूरत पूरी करे हमारी मदद करे अल्लाह ताला हमसे मुसीबतों को दूर करे नजात दे ये परेशानियाँ ये बीमारियाँ ये मुसीबतें ये नागहानी आफात दुश्मनों का तसलुत ये तमाम चीज़ें जो भी मनफी चीज़ें आज जिसमें हम मुलविस हैं इससे निकलना चाहते हैं हम दूसरों की मदद करें दूसरों के लिए दुआएं करें उस जज्बे से दुआ करें जो जज्बा अल्लाह के नबी सा के अंदर था जो साहबा असलाफ़ में था अम्बिया ने दुआएँ की हैं इब्राहिम खलील खली आल सामने क़यामत तक आने वालों के लिए दुआएँ की मैं और आप भी दुआ करें हकीर ना समझे अपने आप को हो सकता है मेरी आपकी दुआ के ज़रिए अल्लाह तक ज़रिया अल्लाह बनाने वाले हक़ीक़ी मदद अल्लाह ही करने वाले अल्लाह ताली हमें ज़रिया बनाते हैं तो हमारा माल इस्लाम की खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए खर्च हो सर्फ हो कितनी अच्छी बात है वैसे ही हम खर्च कर रहे हैं पैसा खर्च होगा याद रखिए आज है कल है कैसे भी ख़त्म होगा हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है बेहतर है कि हम इस्लाम के लिए कोशिश करें खिदमत खल के लिए कोशिश करें छोटे से छोटे काम एक फहरिस् बना लें एक फहरिस् बना लें कि हम क्या कर सकते हैं हमारी ताकत में क्या है आगे भी कुछ काम की तरफ मैं इशारा करूँगा इसी तरह देखिए ये खिदमत खल का जज्बा ऐसा है चंद मिसालें जो मैंने शुरू में दी ये ऐसी बातें हैं कि कल क़ियामत के दिन खसूसी सवाल होगा अल्लाह डांटेंगे अल्लाह ताला अपना गज़ब दिखाएँगे सही मुस्लिम की रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते यबना आदम मरीज तू फल तो नहीं अल्लाह ताली पूछेंगे अरे आदम मैं बीमार था तूने मेरी इदत नहीं की बंदा कहेगा अल्लाह तू तो आलमीन है तू कैसे बीमार होता मैं कैसे तेरी इयादत कर अल्लाह फरमाएगा फ़लां बंदा बीमार था फलां बंदा बीमार था तेरे पास वक्त था ताकत थी असबाब थे तूने उसकी यादत नहीं की अगर तू उसकी यादत करता तो क्या अल्फाज हैं अनना का लव हदीस के अल्फाज है अगर तू उसकी आदत करता ज़रूर मेरा तकर मेरी मदद तू ज़रूर जो है अपने करीब पाता डांटेंगे अल्लाह पूछेंगे दूसरा सवाल है इब्ने आदम भूखा था तूने मुझे नहीं खिलाया तीसरा सवाल है इब्ने आदम में प्यासा था हर बार बंदा कहेगा अल्लाह तू तो रब्बुलमीन तू खिलाने वाला तू पिलाने वाला अल्लाह कहेगा फला बंदा भूखा था फलां तेरा पड़ोसी फला रिश्तेदार फला फलां फला, फला, फला भूखा था फला प्यासे तूने नहीं पिलाया अल्लाह अकबर देखिए छोटे छोटे सवाल जिसको आज हम हकीर समझ इसके बारे में कल क़यामत के दिन खसूसी तौर से डरा कर धमका कर ये वही सुना कर अल्लाह ताला इस अंदाज में जो है अल्लाह ताला सवाल कर रहे हैं कहीं ऐसा ना दुनिया में हमसे सवाल हो रहा है हमारे माँ बाप पूछ रहे हैं रिश्तेदार शिकायत कर रहे हैं पड़ोसी के बच्चे जो है चीख रहे हैं बिलबिला रहे हैं और पूरे आ इस्लाम में ये आज आवाजें सदाएँ आज बुलंद हो रही कितनी जान जनाजे हम देख रहे हैं अपनी निगाहों से मासूम बच्चों पर हमला हो रहा है क्या बिगाड़ा इन मासूम बच्चों ने इंसानियत के दुश्मन हो गए लोग इंसानियत ख़त्म हो गई आज और हम हैं कि हम भी तमाशा देख रहे हैं हम भी तमाशा देख रहे हैं हम भी बराबर के शरीक हैं किसी ना किसी तरीक़े से हम भी जो है अपने ख़ास अपने चहेते अपने पड़ोसी रिश्तेदार दोस्त अहबाब के साथ ये सलूक हम कर रहे हैं तो ये देखिए खिदमत खल का ये जो है बड़ा हक़ है ये बड़ी ज़िम्मेदारी है इनफरादी भी है इजमाही भी इसी तरह वो मोमिन नहीं अल्लाह के नबी सा ने कहा जो ख़ुद पेट भर कर खाए उसका पड़ोसी भूखा प्यारे नबी साम ने कहा सलमोमिन यश बाउन कि वो मोमिन नहीं हकीकी ईमान वाला नहीं सच्चा मुसलमान नहीं कि पड़ोसी पड़ोसियों की फ़िक्र नहीं महीने महीने गुजर जाते हैं बड़े सिटियों का मसला देखिए बड़े शहरों में महीने महीने गुजर रहे हैं सालों साल पड़ोसी मिलने की तौफीक नहीं उसके हाल कब हम मालूम करेंगे इसी तरह जो हम अपने लिए पसंद करते हैं हमारे ईमान का तकाजा है हम दूसरों के लिए भी वही पसंद करें बारह हम सुनते हैं सही बुखारी की रिवायत सही मुस्लिम की लादुकुम हत्यूहबली माँ युहबिन उस वक्त तक हम ममिन नहीं हो सकते यहाँ तक कि हम दूसरों के लिए भी वही पसंद करें। करें जो अपने लिए पसंद करते हैं इसी तरह वो हदीस भी बारहा सुनते हैं अर्र हमर हमरहन एरह उमन फिल्द यरह कुमन के जो दूसरों पर रहम व करम का मामला करते हैं अल्लाह ताला उन्हीं पर रहम फरमाते हैं। तुम जमीन वालों पर रहम करो आसमान वाला तुम पर रहम फरमाएगा और देखिए ये इबादत है ख़िदमत खल जो है इबादत है बंदों के काम आना छोड़े छोड़े वह हदीस मशहूर हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने कई मिसालें दी किसी के काम आना किसी भूखे को खाना खिलाना किसी आ, की मदद करना किसी की तकलीफ़ दूर करना हती कि अल्लाह के नबी सा ने कहा अगर मैं मस्जिद में एक महीना एहतिकाफ़ के लिए बैठूँ उससे बेहतर है कि मैं किसी का साथ दूँ चाहे चंद चंद के लिए क्यों ना जैसे मैंने कहा हमारा एक इशारा भी किसी की जान बचा सकता है हमारे इशारे से किसी के काम हो सकते हैं किसी की मदद थोड़े से लम्हे के लिए भी करें एक महीना इतिकाफ करने से भी बेहतर है अल्लाह अकबर एक महीना इतिकाफ अंदाजा नहीं कर सकते हम एक महीना मुकम्मल इतिकाफ में बैठने वाला कितनी नेकियां कमा लेता है कितनी नेकियां कमा लेता है अगर 40 दिन बैठे और 40 नमाज़ों की 40 दिन की नमाजों की भी पाबंदी करे तकबीर उला से निफाक से अल्लाह बचा लेगा और जहन्नम से अल्लाह बचा ले और बड़े बड़े नेकियां हैं सवाब हैं किसी की थोड़ी सी भी मदद करें मैं और आप अल्लाह अकबर कितना बड़ा आज रहें इसी तरह ख़दमत कल एक ऐसा जज्बा है ऐसा काम है जिससे जो है हम अल्लाह के आज़ाब से बच सकते हैं मौजमुल कबीर तबरानी की रिवायत जिसमें अल्लाह के नबी सास ने इस बात का जिक्र किया है कि कुछ मखलूक़ में से कुछ ऐसे लोगों अल्लाह ने पैदा किया है उनको कि दूसरे लोग उनके मोहताज होते हैं उनके पास आते हैं जिनसे जिनसे जो है उनकी ज़रूरतें पूरी होती हैं आखिर में अल्लाह के नबी ने कहा इकल उला इकलामीन मज़ाबल्ला ये वो लोग हैं जो अल्लाह के अजाब से जो है मामून रहेंगे अल्लाह ताली उनको अजाब से बचाएगा ये खिदमत दखल जैसे मैंने कहा इनफरादी हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं इज्तमी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं ये वसी मौदू है जैसे मैंने कहा क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है कुछ अहम बातें जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा खदमत दखल में बहुत सारे काम आते हैं प्यार मोहब्बत के साथ हम हरे के साथ पेश आए पेश आए मुस्कुराते हुए मिलना देखिए इस्लाम कहता है मुस्कुराते मिलना भी क्या है सदक़ा है ला तहकर निनम आरूफी शया कहा गया किसी नेकी को हकीर ना समझें मुस्कुराते हुए मिलना भी सदक़ा हैं अल्ला अकबर अबू गफारी की जो हदीस है जिसमें कई काम अल्लाह के नबी ने रहनमाई किया ऐसा करो ऐसा करो आखिर में वो कहते हैं अल्लाह के नबी अगर बताए अगर मैं कुछ ना कर सकूँ तो क्या करूँ कहा अपने शर से दूसरों को महफूज रखो अपने शर से दूसरों को बचाओ ये भी तुम्हारी तरफ़ से जो है सदक़ा है अल्लाह हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं बहुत सारे काम हैं छोटे छोटे काम जिसे मैंने इशारा किया किसी का साथ दें अच्छे काम में मशवरा दें कोई बीमार है उसके लिए दवाई का इंतज़ाम कर दें लेकर जाएँ उसकी यादत करें तसली दें जो भी हम कर सकते हैं इसी तरह गरीबों मोहताजों की मदद करें यतीमों की मदद करें बेवाओं के काम आए और इसी तरह कोई सामान ले जा रहा है परेशान है उठा नहीं सकता उसका साथ दें किसी को तालीम दे दें कोई तालीम हासिल करें उसकी मदद करें कोई नंगे बदन है उसके लिए कपड़े का इंतजाम करें कोई भूखा है उसको खिलाएँ प्यासा है पिलाएं इस तरह बेशुमार काम है बेशुमार नेकी के काम हैं बेशुमार काम एक लंबी फहरी आप जानते हैं बारह हम सुनते हैं तो कोई ना कोई काम हम करें जैसे मैंने कहा एक भी बना ली आज हम क्या कर सकते हैं अल्लाह ने हमें क्या ताकत दी है माली एतबार से हम क्या क्या काम कर सकते हैं वक्त देकर हम क्या क्या काम किसकी मदद कर सकते हैं मशूरा देकर ये जिस जिस तरीके से भी अल्लाह ताला ने हम में से एक को जो है मुख्तलिफ़ कामों के लिए अल्लाह ने भी पैदा किया है हमारे मुख्तलिफ काम हैं और अल्लाह ही जो है इस्तेमाल भी करेंगे याद रखें हम करें ना करें अल्लाह को जिससे काम लेना अल्लाह लेकर रहें क्या ही अच्छा है कि हम खुद आगे बढ़ें अल्लाह से तोफ़ी मांगें और ये ख़िदमत खल का जज्बा अपने अंदर जो है पैदा करें आखिरी बात बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँ कि जो ख़ास तौर से जो लोग ज़िम्मेदार हैं, हुक्मरान हैं किसी के भी ज़िम्मेदार हों चाहे दो ज़िम्मेदार हों दस के हों सौ हज़ार करोड़ लाखों के ज़िम्मेदार हों रियाया काूक़ रियाय के जो हकूक़ हैं उसकी मुकम्मल रियायत करें हकूक़ अदा करें यहम्मेदारी ऐसी हैं क़ियामत के दिन अल्लाह ताली ज़रूर पूछें और अगर किसी ने धोखा धोखे से काम लिया अपनी अदा नहीं की अपनी जिम्मेदारियों को कमा हको अदा नहीं किया तो उस पर जो है जन्नत को अल्लाह ने हराम किया है इसी तरह एक और रिवायत जो प्यारे नबी सा सुनत तिरमिदी की सही रिवायत है अल्लाह मालवानी ने सही करार दिया है मामिन एमाम युगल खुबा बहु दू ना जविल हाजा व खलती अगल खल्ला अबवा बहु अबूआसमा दूना खलती ही हैं वहाजती हैं मस्कनती ही कि कोई भी हाकिम है कोई भी अमीर है जिम्मेदार हैं हाजतमंदों मोहताजों मस्किनों से जो है अपने दरवाज़े को बंद रखता है अल्लाह के नबी ने वईज़ सुनाई अल्लाह तौला भी उसकी ज़रूरत उसकी जो है उसकी ज़रूरत हाजत मस्किनत के लिए अपने दरवाज़े अल्लाह बंद कर देगी ये वईद जो है माविया रदील तौ जब, जब सुनी तो आपने जो है अल्लाह से डर कर वैसे तो आप हुकूक अदा कर रहे थे लेकिन और डर कर आपने एक ख़ास आदमी को मुखर किया एक ख़ास अपने एक शख़्स को मुकर किया जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि कहीं कोई भूखा तो नहीं कोई प्यासा तो नहीं किसी की ज़रूरत तो नहीं रह गई कोई मज़लूम तो नहीं सिर्फ इस फ़िक्र के लिए एक ख़ास आदमी को आपने ख़ास कर दिया अकबर आज भी ज़रूरत इस बात की मैं और आप जो हैं इस जज्बे को अपने अंदर पैदा करें ख़िदमत ख़ल का जो तसूर जिस तरीके से इस्लाम ने हमें दिया है बातें तो बहुत ज़्यादा है जैसे मैंने कहा वक्त साथ नहीं देता आग अगले जो खिताबात हैं इसी मौजू से उसका ताल्लुक़ है आगे जो अदीम पैगाम हैं आप सुनेंगे अल्लाह से दुआ हैं अल्लाह ताला मुझे और आपको तमाम को सही मानों में ज़िंदगी के मकसद को समझने के अल्लाह तोफ़ी अदा फरमाएँ अल्लाह ताली किताब व सुन्नत की मोहब्बत, दी तालीमत की मोहब्बत हमारे रग रग में अल्लाह वसा दें अल्लाह की नाफ़रमानी प्यारे नबी साम की नाफ़रमानी से अल्लाह हमें महफूज़ फरमाएँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं तकलीफ़ में हैं मुसीबत में हैं अल्लाह उनकी मदद फ़रमाएँ हमसे भी जो जिम्मेदारियाँ हमें अल्लाह नेद की हमसे जो हो सकता है इनफरादी अतबार से इज्तमाहीबार से अल्लाह ताला हमें भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझने और निभाने की सादत नसीब फरमाएं जब तक दुनिया में रखे ईमान पर इस्लाम पर क़ायम दायम रखें खातिमा हो तो ईमान पर हो अल्लाह खबर के आदाब से बचाए खबर की नहमतें अल्लाह ताला तरमाए जहन्नम के आज़ाब से बचाएँ और महज अपने फ़द्लकरम से जन्नतफरदोस का मक़ी बनाए अल्लाम आमिन अखुल हदतफ़िर वलम वलिसमसलिमिन खुलदमिन हस्तफ़िफर व आखिरदौन अल्हदल रबालमिन असल वरम् वर्कू